तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं डिपेंडेंट कॉम्बो बॉक्स। और डिपेंडेंट कॉम्बो बॉक्स हम यूज करेंगे यूजर फॉर्म के अंदर और सीड्स के अंदर में। लेकिन पहले हम यूजर फॉर्म में देखते हैं डिपेंडेंट कॉम्बो बॉक्स क्या होता है। तो सबसे पहले तो मैं एक सिटी लिस्ट बनाता हूँ कि मेरे पास सिटी है और हमारे पास एरिया है। सिटी है और एरिया तो सिटी का लिस्ट हमने ले लिया और यहाँ एरिया लिस्ट ले लिया। एरिया मैं यहाँ पे लेता हूँ साउथ। ऐसे लिस्ट होते हैं जैसे कि आप अपने वेबसाइट पे ही देखते हैं, तो सिटी लिस्ट होता है, स्टेट स्टेट के अंदर सिटीज, सिटीज के अंदर डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट में ब्लॉक। तो पहला डेटा तभी आता है जब मैं सिलेक्ट करूंगा स्टेट को, तभी हमें सिटी लिस्ट दिखेगा। हम सिटी को सिलेक्ट करेंगे तभी डिस्ट्रिक्ट लिस्ट दिखेगा। तो सेम चीज हम यहाँ करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ रिमूव डुप्लीकेट कर देता हूँ। नहीं, रूम डुप्लीकेट दे रहा है ना, चलिए मुझे सिटी लिस्ट चाहिए। तो सबसे पहले मुझे बीबीए के थ्रू इस सिटी में से सिटी का लिस्ट कैसे निकाले, यूनिक, क्योंकि इसमें तो डुप्लीकेट्स है ना। चलिए तो इसको हम सबसे पहले करते हैं, यहां इंसर्ट करते हैं यूजर फॉर्म। यूजर फॉर्म पे हम यहां देते हैं कॉम्बो बॉक्स। कॉमो बॉक्स में मैं यहां पे सिलेक्ट करता हूं सिटी। उसके बाद वापस इसको लेता हूं एरिया। मैं इसमें डबल क्लिक करता हूँ फॉर्म यूजर फॉर्म इन स्लाइड, क्योंकि जो सिटी लिस्ट है वो यूजर फॉर्म खुलते आना चाहिए। तो कैसे निकालेंगे सिटी लिस्ट, तो सबसे पहले यहाँ पे हम एक वेरिएबल लेते हैं कि डिम डीटी या सिटी कर देता हूँ, सिटी एज ए न्यू कलेक्शन। और फिर यहाँ करते हैं फोर आई इक्वल टू, चले टू टू रेंज 865,000 एक्स एन एक्स लेस आप डॉट रो। अब यहां पे हम करते हैं सिटी डॉट एड, क्या एड करना है तो रेंज ए के साथ हमने कंबाइन किया आई डॉट और कॉमा की में CSTR। ये बताया था आपको किरण जी? हाँ सर, CSTR आप बताए थे। ए और वैल्यू और ब्रैकेट क्लोज कर। तो जितने भी डेटा इसमें आएगा, लेकिन डेटा जब आएगा जब सिटी पे जब डुप्लीकेट एंट्री होगी तो एरर देगा, तो यहां पे हमने लगा दिया ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट। और नीचे सर भूख लगेगा कि फोर इच आइटम इन सिटी और फिर मी डॉट कॉम्बो बॉक्स वन डॉट एड आइटम इक्वल टू ने स्पेस आइटम और नेक्स्ट आइटम को। इस कोड से क्या होगा कि जब यूजर फॉर्म रन होगा तो इसमें पूरा का पूरा सिटी लिस्ट वो भी यूनिक आए।
अब जैसे कि मैं चाहता हूँ मैंने पुणे सिलेक्ट किया, तो पुणे में जितने भी एरिया है वो एरिया यहाँ पे आ गया, लेकिन वो भी डुप्लीकेट ना यूनिक ही है, डबल डबल ना है। तो हम क्या करेंगे, कॉम्बो बॉक्स टू नहीं, कॉम्बो बॉक्स वन चेंज, क्योंकि हमें कॉम्बो बॉक्स टू की वैल्यू कब रिपीट करनी है, कॉम्बो बॉक्स वन जब चेंज हो। अब ये ध्यान रखिएगा। और सर हाँ सर बोले थे सर, यहाँ पे हम लोग सी एस टी आर ले ही क्यों रहे हैं, सब तो स्ट्रिंग वैल्यू है ना। नहीं देना पड़ता है सर। अच्छा ओके ठीक है। और नहीं भी दे सकते हैं क्योंकि ये ऑप्शनल है, आप नहीं भी दे सकते हैं। अच्छा मैं हमेशा देता हूँ सर। ठीक है सर। ये हमने क्या किया, न्यू कलेक्शन भी आएगा और आएगा, लेकिन इसमें हमें लगेगा कंडीशन। कंडीशन क्या होगा कि इफ, देखिए ध्यान से, इफ रेंज ए के साथ हम आई को कंसीडर करते हैं डॉट वैल्यू इज इक्वल टू डॉट कॉम्बो बॉक्स वन डॉट वैल्यू, देन यहां पर मैं कंडीशन कर दिया कि भाई तुम डीटी के अंदर में डेटा तभी लोड करो जब सीक्वेंस जो लूप चल रहा है उस लूप की वैल्यू हमारे कॉम्बो बॉक्स की वैल्यू के अकॉर्डिंग होता है तो, और ए का नहीं हमें यहाँ बी का करना है, ठीक है। डेटा सिटी पे लोड करना है और कॉम्बो बॉक्स टू में ऐड करना। अब इसको एक बार मैं रन करता हूं। अब मैंने यहाँ पे मान लीजिए पुणे सेलेक्ट, दिल्ली सेलेक्ट कर लिया, यहाँ दिल्ली का एरिया सेंट्रल है क्योंकि दिल्ली में सेंट्रल एरिया ही नहीं है। एक बार देख लेता हूं मैं, यहां एक छोटी सी दिक्कत है। अब आ गया ना सेंट्रल ईस्ट एंड नॉर्थ, तीन आ गया। हाँ यहाँ पे, अब यहाँ पे दिक्कत और भी है, यहाँ पे अगर मैं नोएडा करता हूँ तो सेंट्रल चेंज नहीं होता, यहाँ सेंट्रल का होना चाहिए ना सर। अजय को देखिए ना, नोएडा आ गया, मैं सेंट्रल सेलेक्ट हूँ, पटना आ गया, तो पटना भी सेंट्रल है। चलिए हाँ, यहाँ पे दिक्कत दिख रहा है आपको कि हमारी वैल्यू बढ़ रही है, क्यों, क्योंकि हर बार ऐड हो रहा है। तो ऐसा इसमें नहीं कि मान लीजिए ना, यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जब मैंने यहाँ पे ऐड किया, मान लीजिए दिल्ली ऐड किया, दिल्ली का यहाँ पे दिख रहा है तीन, अब यहाँ पे मैं जैसे नोएडा सेलेक्ट करूंगा आप देखेंगे यह छह हो जाए, नोएडा का भी ऐड हो गया। एक छोटी सी दिक्कत आपको रहती है, तो उसको चेंज कैसे करेंगे, तो इसमें हम सबसे पहले यहां हम करेंगे मी डॉट कॉम्बो बॉक्स टू डॉट क्लियर, ठीक है। देखा और पहले से पहले, इससे पहले हमने सिटी सिलेक्ट किया था वो जो क्लियर हो जाएगा, और फिर नई सिटी जो हमने सिलेक्ट किया है उसका आ जाएगा। हमने पुणे को सिलेक्ट किया, यहाँ देखिए हमारे सामने पुणे साउथ तीन आया, पुणे की जगह पर हमने दिल्ली को सिलेक्ट किया, तो यहाँ पे देखिए दिल्ली का सेंट्रल आया, तो मान हमने दिल्ली का ईस्ट सिलेक्ट कर लिया, फिर हम यहाँ पे पटना सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पे हमारा
तो जब भी डिपेंडेंट कॉम्बो बॉक्स लगाते हैं तो ए ऑप्शन को मत भूलिएगा, ठीक है? ठीक है, तो डिपेंडेंट कॉम्बो बॉक्स समझ में आया? हाँ सर, समझ में आया। डाउट इसमें? नहीं सर। आप क्या करेंगे कि हमने दो किया है, आप मुझे बनाएंगे कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, चार का, ठीक है? चार लिस्ट पहले एक्सेल में तैयार करेंगे, इसका बनाएंगे दूसरी चीज, और सेम कोड को आपको अप्लाई करना है किसमें, यहां जो कॉम्बो बॉक्स आ रहा है इसमें। बात समझे? जैसे कि मैं चाहता हूं कि अब यूजर फॉर्म पे ना करना, मैं चाहता हूं अपने एक्सेल सीट पे ही करना, होता है ना, बहुत सारी रिपोर्ट में आपने देखा होगा, समझे? हाँ सर। तो इसमें इसका भी नाम कॉम बॉक्स 1-2 होता है, और बस चेंज इतना होता है कि इसकी कोडिंग हम इस पे ना करके सीट्स के ऊपर करेंगे। ओके सर, समझ गए ना? हाँ सर, बाकी सब बिल्कुल सेम होगा। तो इसको बराबर कीजिए। अब आपकी जो है यूजर फॉर्म में हमने आपके साथ जो है कॉम्बो बॉक्स हमारा जब खत्म हो जाएगा तो लिस्ट बॉक्स आएगा, तो लिस्ट बॉक्स में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि कॉम्बो बॉक्स लिस्ट बॉक्स सेम है, बस कुछ चीजें जो है वो डिफरेंस है वो हम देख देंगे, उसके बाद आपका ये बाकी जो छोटे मोटे चीज है वो तो एक दो क्लास में क्लियर हो जाएगी। और सर शीट का भी मुझे थोड़ा बता दीजिएगा, उसमें टैब है ना जिसमें दो तीन हम लोग शीट जैसा बनाते थे, आप बोले थे जैसा बोल्ड ऑप्शन में जाके करते हैं, वो भी बता दीजिए। ये राइट क्लिक करके एडिशनल कंट्रोल होता है सर, ये नहीं बोल रहे हैं, एक तो आता है ना शीट जैसा पेज वन पेज टू। अच्छा हाँ, वो ये है ना आपका मल्टी पेज। हाँ वो मुझे थोड़ा सीक्वेंस चल रहा है ना, हमने पहले लेबल को पढ़ा, हमने क्या पढ़ा, टेक्स्ट बॉक्स को पढ़ा, कॉमो बॉक्स पढ़ रहे हैं, कॉमो बॉक्स पर हम लिस्ट बॉक्स पढ़ेंगे, उसके बाद सीक्वेंस में आएंगे, ठीक है सर? ताकि पता रहेगा ना कौन सा ऑप्शन हमने कर लिया है कौन सा नहीं कर लिया। बीच बीच में पढ़ाने में क्या होता है कि मैं इतने सारे क्लासेस लेता हूँ कि मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ ना कहाँ पे था, ठीक है सर?